एटीएम 38 को है ना, एटीएम 38 को है, एटीएम चोर है। सब चोरी, यही स्टेट बैंक का चोरी है। वीडियो बनाओ, एटीएम निकालो, वीडियो बनाओ, ले दिया बिया करे। तो देखा आपने दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की करजा एटीएम की है, जहां पे फ्रॉडस्टर फ्रॉड करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि 38 एटीएम कार्ड्स यानी 38 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे एटीएम कार्ड्स का करता क्या है, फ्रॉड तो एक दो एटीएम से हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उन एटीएम्स का फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, आखिर कैसे आते हैं इतने सारे एटीएम्स। सबसे पहले वो तरीका जानते हैं जो फ्रॉडस्टर जो है इस्तेमाल में लेते हैं। इतने सारे जो एटीएम्स हैं, उन एटीएम्स का क्या करते हैं बेसिकली। सबसे पहले क्या है कि ये जो मेथड है, जो तरीका अपनाते हैं, जो भी फ्रॉडस्टर हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उस तरीके को हम कहते हैं क्लोनिंग, और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं स्कीमिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्लोनिंग या स्कीमिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा तरीका है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन द सेंस ऑफ के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से आपकी जो डिटेल्स है वो चुरा ली जाती है, और फिर बिना परमिशन के आपके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं। आपको भनक भी नहीं लगेगी और आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। जी हाँ दोस्त, आपने बिल्कुल ठीक सुना, क्लोनिंग मेथड जो है वो ऐसे ही काम करता है। चलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। जब आप एटीएम में जाते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, जहां पे आप कार्ड लगाते हैं उसे हम कार्ड रीडर कहते हैं। तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि उस कार्ड रीडर के जगह पे अपना कार्ड रीडर लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, सेंसर लगा होता है और सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है, जिससे कार्ड की जो डिटेल्स है ना उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। और दूसरी चीज, जब आप पासवर्ड डालते हैं तो वहां पे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है जिससे आपका पासवर्ड रिकॉर्ड हो जाता है। जहां पे पिन डालते हैं ना, अगर आप उसे उखाड़ के देखेंगे ना, अगर कैमरा लगा होगा तो उसके नीचे एक सैमसंग की बैटरी लगी होगी और एक मेमोरी कार्ड लगा होगा और कुछ सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं। मेमोरी कार्ड इसलिए लगे होते हैं ताकि आप जब पासवर्ड डालें तो उसमें रिकॉर्ड हो। तो अब हुआ क्या कि आपने जो कार्ड डाला तो कार्ड की इन्फॉर्मेशन उसमें रिकॉर्ड हो गई, और आपने जो पिन डाला वो भी उसमें रिकॉर्ड हो गया। तो फिर फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि उसको निकाल लेते हैं, जो उन्होंने कीपैड के ऊपर लगाया होता है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके नीचे बैटरी लगी होती है और चिप वगैरह लगा रहता है जिसमें डेटा स्टोर होता है, यानी आपकी कार्ड की जो डिटेल्स है, आप पिन वगैरह जो डालते हैं उसमें स्टोर होता है। तो फिर कार्ड रीडर और जहां पे आप पिन वगैरह डालते हैं वो उसे उखाड़ के ले जाता है, और फिर कार्ड लेकर, एक सिंपल कार्ड लेकर उसमें जो डेटा है वो स्टोर कर लेते हैं, यानी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर हो जाती है उसमें, और फिर एटीएम से डाल के पैसा निकाल लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको भनक तक भी नहीं लगेगी और आपका अकाउंट साफ हो जाएगा। तो उसके पास कितने थे, 38 एटीएम कार्ड्स। तो समझिए कि वो 38 लोगों का वो चुना लगाने वाला था। अब किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे बचे कैसे। सबसे पहली बात ये कि आप कभी भी अपना पिन किसी को ना बताएं, और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप एटीएम में जाएं तो कार्ड रीडर जो है उसको पहले खींच के देखें, अगर वो निकल जाता है तो समझिए कि वो फ्रॉडस्टर का वो कार्ड रीडर था, और पिन डालते समय कीपैड के जो ऊपर है उसको निकाल के देखे, अगर निकल जाता है तो समझिए कि वो एटीएम यूज करने लायक नहीं है। हालांकि वो अगर लगा रहेगा, कार्ड रीडर और वो जो डिवाइस होता है उसके नीचे जो मैंने बताया कि मेमोरी कार्ड वगैरह लगा रहता है, वो नहीं निकालेंगे फिर भी आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, आप पैसे निकाल पाएंगे, लेकिन फिर बाद में आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे। इसलिए कभी भी पिन डालें तो आप ऐसे ऐसे करके डालें, क्योंकि ऊपर में कैमरा लगा रहता है तो कैमरा में रिकॉर्ड ना हो इसलिए आप ऐसे करके पिन डालें। दोस्तों एटीएम फ्रॉड के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं, यानी समझिए कि 99.9% चांसेस है कि आपका बैंक अकाउंट कभी हैक नहीं होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने एकदम क्लियरली बताया है, फुल डिटेल में बताया है कि लोग क्या गलती करते हैं, हैकर्स लोग क्या क्या दिमाग लगाते हैं जिसके वजह से वो हमारा डेटा चुरा लेते हैं, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल पाते हैं। ओवरऑल हैकर्स लोग क्या दिमाग लगाते हैं, फ्रॉडस्टर लोग क्या दिमाग लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, मुझे आपके कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। खैर, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।